गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। और सुबह के 8:15 बज चुके हैं। मैं ऊपर से नीचे आ चुकी हूँ, जो मेरा काम इनकम्प्लीट रह गया था उसको कंप्लीट करने के लिए। और आज मुझे थोड़ी सी सर्दी हो चुकी है और नीचे सब लोग अपने अपने काम पे लगे हैं। मामी गार्डन का झाड़ू मार रही हैं, जस्ट अभी अंदर आई हैं, उन लोग पोछा लगा रही है और मैं भी अपना देगी वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। सर्दी हो चुकी है तो इसलिए नानी की स्वेटर पहन के बैठी हूँ। रियली आज मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, सच मुझे सर्दी हो चुकी है। तो मिलते हैं रेडी बनाने के बाद। देखिए गाइस, ये कोमल दीदी दहेली लिख रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और इन्होंने कहाँ कहाँ बनाई है। लाया जाता है आपका सामान, आप भी आज ही जाओ फिर। ये फर्स्ट और ये है तीसरी। तो गाइस, ये है भटकी दाल। पहाड़ियों में भटकी दाल बहुत पसंद करते हैं लोग। भटकी दाल और भांग की चटनी, भटकी चुड़कैनी नहीं बोलते हैं जिनको। और आपको दिखाते हैं भटकी दाल। ये देखिए गाइस, तो ये है भटकी दाल जो कि रेडी हो गई है। ये अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, आपको दूसरा दिखाते हैं। ये देखिए, ये है भटकी दाल, भटकी चुड़कैनी। पहाड़ियों में, पहाड़ियों की बहुत फेवरेट होती है भटकी दाल और भात। देख लीजिए ये है, और ऐसे होते हैं ये। ये इसमें आधे रेडी हुए हैं, आधे रेडी नहीं हुए हैं बाकी। हेलो गाइस, कल बोला था मैंने कि भटकी दाल दिखाऊंगी बनी हुई, तो ये मामी ने स्टार्ट कर दिया भटकी दाल बनाना। ये काट रही है बड़ी मामी प्याज, और ये है लहसुन, और भट है ये पहाड़ी भट, पहाड़ियों की फेवरेट डिश। और ये हो रहा है तेल दाल। अब बनाएंगी मामी भटकी दाल, तो दिखाते हैं कि किस तरीके से बनती है। और सुबह से मैं बिजी थी, अब 11:30 बज गए हैं। एक डेली कल कंप्लीट हो गई थी, एक डेली आज कंप्लीट हो गई है। अभी भी डेली लेके रही थी, तो मैंने कहा चलो मामी भटकी दाल बना रही है तो आप लोगों को भटकी दाल दिखाई जाए। ये डाला मामी ने जीरा, ये डाला लहसुन का तड़का। जिसको भटकी दाल बनानी नहीं आती तो वो यहाँ सीख ले कि भटकी दाल कैसे बनाते हैं। ये रही भट, इसके पेड़ दिखा दिए थे मैंने आप लोगों को। नहीं, ये गया प्याज लोहे की कढ़ाई में भटकी चुड़कानी, भटकी चुड़कानी और भात। आज घर जाते जाते भटकी चुड़कानी और भात खा जाती हूँ मामी के हाथ का। कल से घर पे भाभी के हाथ का खाना। मैं हाथ नहीं लगा सकती, मेरे हाथ गंदे हैं पूरी पेंट पेंट के। जी देखो मेरे हाथ पूरी पेंट पेंट हो गए हैं। समलती को नारी जा बारिला। तो अब जाएंगे हम भी, टमाटर डालते हैं, भून के पहले निकाल लेते हैं।
पहले मुझे नहीं आती थी भटकी दाल बनानी। ये गई भटकी दाल, देखिए अभी भूनेंगे। चटे 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 बोलते हैं कच्चे खाने में मज़ा आता है जब भून जाते हैं नमक डाल के। इसको आज का टमाटर का ऐसा भी जाएंगे, इसमें टमाटर डाल के फिर उसके बाद इसको आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं भून के नमक डाल के, बड़े टेस्टी होते हैं बिल्कुल चनों की तरह। मामी ने भट भून रही है और बाकी बनती है भटकी दाल, और जब ये बन जाएगी तब हमें हम आपको दिखाते हैं भटकी दाल। यो खराब भट्टा वाला दाल, भटक दाल क्या है भटकी दाल ना पहाड़ी में, भटकी चुड़कानी। यो छू भटक चुड़कानी और भात आवा और खा लिया। ये बना दी मामी ने भटकी दाल, पहाड़ियों की भटकी चुड़कानी जी। तो ये देखो यहाँ पे धान बताए जा रहे हैं, ये हवा चल रही है तो धान बता रहे हैं। कल लाए इनको खेत से तो बड़ी मामी धान बता रही हैं। झाड़ू देखना, पता नहीं काई का झाड़ू, काई का झाड़ू है स्याही का, हाँ ये स्याही का झाड़ू है और ये धान बता रहे हैं। ये देखो और यहाँ पे छोटी मामी धान बता रही हैं बेलन वाली, ये बहुत प्रसिद्ध हो गई हैं बेलन वाली मामी के नाम से। तो ये धान बता रही ने ऐसे चट्टे लगा रखे हैं धानों के। ये देखो इसको सी वाले झाड़ू से कि नहीं झाड़ते मामी, ये दोनों बहुएं लगी तो लगी हैं। अभी तुम्हें वो भी दिखाते हैं, अपनी अम्मा नानी सास भी लगी हैं इनकी, तो ले चलते हैं आमा के पास। दोनों मामियां धान बता रही हैं, यहाँ अम्मा दाल करी, इतनी दाल कर दी और कहा जा रहा है कि ये अम्मा बता रही हैं दाल, अम्मा बताती हैं हमें कि ऐसे बताते हैं दाल। दाल दिखाऊं तो ऐसे बताते हैं दाल, ये है जो मूट की दाल, पहाड़ी दाल है ना, पहाड़ी दाल, पहाड़ी दाल। ये है गाइस मूट, मूट पहाड़ी दाल, ये है इसके पेड़ दाल, मूट करते हैं इसके मूट, वैसे मूट ही कहते हैं मुझे, पहाड़ी दाल है ना। और ये है इसके पेड़, ये अम्मा बता रही है, ये बताई अम्मा दाल। हवा लगने दे, आप क्या करो रे बोलो, आप क्या करो रे बोटन भैया रोटर का। दो दो बहुए होकर भी अम्मा लगी पड़ी है काम पे, लगने को तो दोनों बहुए भी लगी हैं, खुद भी लगी है। बुढ़ी ने कहा खूब चांच न चली पावन भैया मुठी दावे जा पहाड़ से के नहीं दाव जल्दी कभी मैं को एक मुठी दूजी मुठी साथ चली गए एक मार जुलो मैं को खा हाँ दाव दी गई तुमने पछाना और आसन कर रहे हो। तो गाइस ये रही दाल मूट की और ये रहे इसके वो पेड़ बेल होती हैं ये। आपको डेली यहाँ दिखा दिए तीन डेली, पर मामी एक और लिख जा बल, तीन नहीं लिख के जाते, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, पर मुझे तीसरी नहीं लिखनी है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा घर जा रहे मैं तैयार होने जा रही हूँ, ये फिर से आएंगे मेरे बर्थडे में देख लेना गाइस। तो गाइस मैं जा रही हूँ और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अब मैं हो रही हूँ रेडी, मैं हो चुकी हूँ रेडी घर जाने के लिए और मामी भी हो गई हैं रेडी। ये जा रही हैं मार्केट दिवाली की शॉपिंग करने, मामी और गोलू जा रहे हैं मार्केट और मैं जा रही हूँ घर। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद, क्योंकि 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं प्राइवेट बस से, और रोडवेज बस से 1 घंटे में पहुँच जाते हैं और प्राइवेट बस से 2-2.5 घंटे लग जाते हैं क्योंकि वो रोक रोक के सवारी बैठा बैठा के जा रही। तो मिलते हैं हम आपको, हम जा रहे हैं। मेरे ब्लॉग में ये लड़की बहुत आई थी, इसका बर्थडे भी आ रहा है दिवाली के बाद, इसका बर्थडे है।
तो अब हम मिलेंगे सीधे इसके बर्थडे में। इसके बर्थडे में मैं आऊँगी कब है? 7 तारीख को। हाँ, 7 तारीख को इसका बर्थडे, तो मैं इससे मिलूंगी सीधे इसके बर्थडे में 7 नवंबर। अब मैं जा रही हूँ घर, तो बोल देते हैं सबको बाय 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 बाय। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद सीधे घर पे। हेलो गाइस, तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। टाइम हो गया 3:30, 1:45 से बैठी थी और 3:30 बजे पहुँची हूँ। और दीक्षा ने बना दी है चाय, ये पी रही है मेरी मम्मी, चाय पी रही है, चाय और नमकीन। और सुधा बन ने बना दी है डेली, सुधा की डेली हम आपको दिखा देंगे। एक डेली बना दी है बेचारी ने, बहुत हेल्प कर दी मेरी। और कल भी बुलाएंगे हम उसको डेली बनाने के लिए। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तब तक के लिए बाय।